हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, एक इनोवेटर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग साइंटिफिक टेंपर लीडर्स पे रिच ट्रिब्यूट, तो ये एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में बात हो रही है। एक ये आर्टिकल, और एक आप ये देखिए, स्वामीनाथन वॉक्ड अहेड ऑफ हिज टाइम, साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऐसा बोला है। एक ये आर्टिकल, तो हम दोनों स्वामीनाथन जी के ऊपर ही है, तो इन दोनों आर्टिकल को हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। लीडर अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पेड ट्रिब्यूट टू साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन ऑन थर्सडे एंड रिमेंबर्ड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेड डॉक्टर स्वामीनाथन लेफ्ट बिहाइंड अ रिच लेगेसी विच वुड सर्व एज अ गाइडिंग लाइट टू स्टीयर द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ सेफर एंड हंगर फ्री फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, हंगर फ्री फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। द डिमाइस ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इंटरनेशनली रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, सैडेंस मी नो एंड। ठीक है, तो मतलब बहुत दुखी किया इनके डिमाइस ने हमें। यहाँ पे ये बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या। अ विजनरी हु वर्क एंडलेसली, तो इनको विजनरी बोला गया है, हु वर्क एंडलेसली, उनको छुट्टी नहीं चाहिए थी जैसे हमें हमेशा चाहिए होती है। टू अचीव फूड सिक्योरिटी ही वॉज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इंश्योर्ड आर कंट्री सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन। तो ये कंट्री का सेल्फ रिलायंस इन्होंने प्रूव किया है। मिस्टर मुर्मू सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, दैट इज ट्विटर, ही पायनियर्ड पाथ ब्रेकिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चरल साइंस फॉर व्हाट ही गॉट अ रेंज ऑफ अवार्ड फ्रॉम पद्म विभूषण टू प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज, द प्रेसिडेंट सेड। तो ये हमने एक पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया है कि क्या क्या उनको अवार्ड मिले हैं। तो वहाँ पे ये चीज़, सेम चीज़ प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी बोली है कि उनको कौन सा अवार्ड, सारे अवार्ड तो मिल चुके हैं उनको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट डॉक्टर स्वामीनाथन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन एग्रीकल्चर एट अ वेरी क्रिटिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ मिलियन एंड इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी फॉर आवर नेशन। ही सेड ही वॉज डीपली सैडन बाय द डिमाइस ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन हु पास्ड अवे एट हिज रेसिडेंस इन चेन्नई ऑन थर्सडे। इन अ पोस्ट ऑन एक्स ही सेड डॉक्टर स्वामीनाथन वॉज अ पावर हाउस ऑफ इनोवेशन एंड नर्चरिंग मेंटर टू मेनी। तो यहाँ पे स्वामीनाथन जी की देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही है उनके बारे में। हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू रिसर्च एंड मेंटरशिप हैज लेफ्ट एन इनडिलेबल मार्क ऑन काउंटलेस साइंटिस्ट एंड इनोवेटर, ही सेड। मिस्टर मोदी एडेड दैट द लेट साइंटिस्ट पैशन टू सी इंडियाज प्रोग्रेस वॉज एग्जेम्पलरी। ही सेड ही विल ऑलवेज चेरिश द कन्वर्सेशन ही हैड विद डॉक्टर स्वामीनाथन एंड द लेटर वर्क विल इंस्पायर जनरेशन टू कम। मतलब स्वामीनाथन का जो काम है वो आगे आने वाले जनरेशन को हमेशा इंस्पायर करते रहेगा, और उनकी जो कभी बातचीत हुई थी स्वामीनाथन के साथ, वो उसको बहुत चेरिश करते हैं, कि खुश होते हैं कि चलो हो गया, हमारी बात हुई उनकी बातें से, इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड डॉक्टर स्वामीनाथन अनमैच कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल साइंस एंड हिज ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरवेंशन इन मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन शैल ऑलवेज बी चेरिश्ड। ही हेल्ड हिम एज अ ग्रेट इंस्टीट्यूट बिल्डर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अबव ऑल ह्यूमैनिटेरियन। तो इनको देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, प्रेसिडेंट सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसे थे, इंडिया विल नॉट ओनली मिस अ ग्रेट साइंटिस्ट बट अ नेशन नेशनल आइकन हु वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग पीपल। ठीक है, देखिए साइंटिफिक टेम्पर अमंग पीपल उन्होंने प्रमोट किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी डॉक्टर स्वामीनाथन, इन्होंने बोला राहुल गांधी ने, डॉक्टर स्वामीनाथन स्टीडफास्ट कमिटमेंट टू रेवोल्यूशनाइजिंग द इंडियाज एग्रीकल्चर टर्न द नेशन इन टू अ फूड सरप्लस कंट्री। हिज लेगेसी एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंस गो आउट ऑफ हिज लव वन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉस। तो देखिए राहुल गांधी ने भी यहाँ पे तारीफ कर दी। तेलंगाना गवर्नमेंट तमिली सही, इन्होंने भी देखिए क्या किया। शी वॉज शॉक टू हियर अबाउट द डिमाइस ऑफ द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन विच शी सेड सेव मिलियन ऑफ फेमाइन डेथ ग्लोबली। तो यहाँ पे आप देखिए ये बात हो रही है, सब लोगों ने इनकी तारीफ की है कि हमारे ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे। आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे ये, हमारे लिए क्या, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके अवार्ड्स की बात हो गई। और आप देखो, इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, यहाँ पे ये बात हो रही है।
ठीक है, ही वॉज अ पावर हाउस ऑफ इनोवेशन एंड नर्चरिंग मेंटर टू मेनी, ये बात हो गई ठीक है। हिज वर्क विल इंस्पायर जनरेशन टू कम, ठीक है ये बात हो गई। अब देखिए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस इनका सबसे बड़ा फील्ड था। इंडिया सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन, ठीक है सेल्फ सफिशियंट फूड ग्रेन में। अब देखिए शेपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग पीपल, अब बताइए कौन सा DPSP है, साइंटिफिक टेम्पर ये DPSP है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसके बारे में बात करिए। अब देखिए यहाँ पे जो हंगर की बात हो रही है, किस गया यहाँ पे इनके अवार्ड्स देखिए, अवार्ड्स की बात हो गई, कौन सा अवार्ड इनको नहीं मिला है, पद्म विभूषण से लेके वर्ल्ड फूड प्राइज तक, तो वर्ल्ड के ये विजनरी लीडर इनको बोला गया ठीक है। अब देखिए फूड सिक्योरिटी अचीव हुआ इनके वजह से, इनकी जो चीज़ ये करके गए ना इंडिया के लिए, शायद उस टाइम अगर ये नहीं होते तो क्या होता पता नहीं, पर ये थे, ये हमारा लक था, इंडियंस का लक था, ये थे, आज ये हमारे बीच नहीं है, काफ़ी बुरा लग रहा है हमें सुन करके। अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया है, जस्ट अ सेकेंड। स्वामीनाथन वॉक अहेड ऑफ इस टाइम, तो इन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी ने साफ बोला कि स्वामीनाथन टाइम से आगे चलते थे, तो देखते हैं क्या है। इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर रिमेम्बर्ड एम स्वामीनाथन एज समवन हु वॉक अहेड ऑफ टाइम एंड नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट रिसर्चर एंड एकेडमिक बट ऑल्सो अ विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनको विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर बोला गया है। आप देखिए द कम्युनिटी बिलीव दैट डेवलपिंग हाई यील्डिंग बासमती राइस वेराइटीज इनोवेटिवली यूजिंग अ टेक्नोलॉजी ऑफ म्यूटेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी एंड लॉन्चिंग प्रोग्राम सच एज लैब टू लैंड वेर इज, पहले क्या था शिप टू माउथ, अगर आपने पिछला आर्टिकल देखा हो पहले था शिप टू माउथ, अब क्या था लैब टू लैंड, तो यहाँ से ये चीज़ें चेंज हुई है, लैब टू लैंड वेर हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी वर इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो देखो इन्होंने क्या क्या किया, पहला ये बासमती राइस, दूसरा जेनेटिक्स का एप्लीकेशन किया किस लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए, और इनका मोटो क्या था लैब टू लैंड, लैब से लेके लैंड तक ठीक है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICER, तो इन्होंने क्या बोला, रिमेंबर्स डॉक्टर स्वामीनाथन एज एन इंकरेजिंग टीचर एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जा रहा है। ही वॉज आवर प्रोफेसर ऑफ इंडियन, मतलब ये ICER में प्रोफेसर थे। ही मिनिक नो वर्ड टू इनकरेज अस, ठीक है, व्हेन वी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ग्रेगेशन ऑफ साइंटिस्ट ही रोट अ लेटर टू देन डायरेक्टर ऑफ IARI कॉन्ग्रेचुलेटिंग स्टूडेंट्स हु टेक प्राइड इन परफेक्शन, आई हैड टू मीट हिम लास्ट ऑन हिज बर्थडे इन ऑगस्ट, ठीक है ऑगस्ट में। इन ऑल आवर मीटिंग ही वुड पैशनेटली टॉक अबाउट रिसर्च एंड फाइंडिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विच वॉज सो इंस्पायरिंग, तो इनकी बातें ही देखो आप इनकी क्या होती थी, क्योंकि इनको अपने काम में मज़ा आता था ठीक है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी थ्रू म्यूटेशन ऑफ क्रॉप, बायो फोर्टिफिकेशन, फंडिंग स्टेट्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, एडवोकेसी थ्रू नेशनल अकेडमिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर वर ऑल हिज पेट प्रोजेक्ट, तो वुमेन के लिए एग्रीकल्चर में इन्होंने आप देखिए यहाँ पे स्टेब्लिश किया सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वुमेन्स के लिए, किसमें एग्रीकल्चर में, तो जेंडर इक्वालिटी दे रहे थे ये प्रोफेसर मोहपात्रा सर ठीक है। ही रिमेंबर्ड इंसाइटफुल पेपर बाय डॉक्टर स्वामीनाथन ऑन हिज डॉक्टोरल सर्च वर्क इन द साइंस ऑफ पोटैटो, देखिए साइंस ऑफ पोटैटो में इन्होंने अपना डॉक्टोरल वर्क किया इन अ नेचर जनरल विच इज स्टिल कंसिडर्ड सेमिनल, ठीक है जिसको आज भी पोटैटो के ऊपर आप देखिए इनका काम देखिए आप। ही ज्वाइन द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन कटक व्हेन ही केम बैक टू इंडिया आफ्टर हिज रिसर्च, ही ऑलवेज हैड ए स्पेशल कंसिडरेशन फॉर हिज फॉर दिस इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर मोहपात्रा सर। हिज स्टैम्प इज विजिबल इन ICER, IARI एंड ऑल अदर नेशनल एग्रीकल्चर साइंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है ये इनका कितना बड़ा रोल रहा है इनके चीज़ों से बता रहा है हमें। चेयरमैन ऑफ द पंजाब फार्मर कमीशन ऑफ एमिनेंट एग्रो इकोनॉमिस्ट सुखपाल सिंह सेड इट वॉज अंडर डॉक्टर स्वामीनाथन लीडरशिप दैट एफर्ट्स वर लॉन्च एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू कल्टिवेट राइस विथ C4 कार्बन फिक्सेशन कैपेबिलिटीज इनेबलिंग इम्प्रूव फोटोसिंथेसिस एंड वाटर यूटिलाइजेशन, देखो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है C4 कार्बन
फिक्सेशन कैपेबिलिटीज, जो जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है और वाटर यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग बासमती राइस। तो वर्ल्ड का पहला हाई यील्डिंग बासमती राइस भी डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही बनाया था। प्रोफेसर सुखपाल सेड एडिंग दैट हिज इनकम्पेरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय डेवलपिंग हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई द कंट्री स्पेशली बाई द फार्मर ऑफ पंजाब। ठीक है। IARI डायरेक्टर ए के सिंह सेड इन स्टेटमेंट दैट द पासिंग ऑफ डॉक्टर स्वामीनाथन एंड्स एन एरा। तो इन्होंने तो एंड ऑफ एन एरा बोल गया ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन दैट वॉज फुल ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन। इफ गॉड अपियर्स टू पुअर एंड हंगर इन फॉर्म ऑफ ब्रेड एज सेड बाई महात्मा गांधी दैट गॉड इज डॉक्टर स्वामीनाथन। कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी, इन्होंने स्वामीनाथन जी को भगवान बोल दिया। हु शुड बी वर्शिप बाय एवरी सिटीजन वाइल टेकिंग डेली मील्स। क्योंकि आज हमें जो मील मिल रहा है वो इनके वजह से ही मिल रहा है। आप देखिए, डिस्क्राइबिंग डॉक्टर स्वामीनाथन डेडिकेशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर एज अ वेवरिंग संजय देशमुख प्रोफेसर ऑफ लाइफ साइंस एंड फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड सेंटिस चैंपियन द फार्मर कॉज एडवोकेटिंग अ फेयर प्राइज एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल जस्टिस वन द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। हिज वर्क वॉज अ टेस्टमेंट टू हिज कमिटमेंट। मतलब ये उनका काम ही बता रहे हैं, उनका कमिटमेंट क्या था, टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ दोज हु टॉइल्ड ऑन द लैंड। हिज फार्मर सेंट्रिक अप्रोच रेजोनेटेड फार बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर सर्विंग द इंस्पिरेशन टू एग्रीकल्चर कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो ये सिर्फ इंडिया में, इनके लिए बॉर्डर इंडिया नहीं था, ये वर्ल्ड वाइड लीडर थे। हमें यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब आप देखिए कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हाई यील्डिंग राइस इन्होंने किया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स किया किस लिए, कि प्रोडक्शन बढ़े और फूड सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक हो। लैब टू लैंड इनका आप देखिए मोटो था, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर इनको बार बार बोला गया है, ठीक है। और इनका जो काम है वो आज भी बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। और स्टेट्स इतना, इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाया है फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेट प्रोजेक्ट था। तो आप देखिए इनका सोच दिखा रहे हैं, मैन इक्वल्स टू वुमेन, वुमेन इक्वल्स टू मैन, ठीक है। इनका जो डॉक्टोरल वर्क था पोटैटो के ऊपर वो आज भी बहुत सेमिनल माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड नेशनल, ठीक है। देखिए C4 कार्बन फिक्सेटिंग कैपेबिलिटीज इन्होंने लाई, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस इंप्रूव होता है और वाटर यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। अब देखिए C4 कार्बन फिक्सेटिंग कैपेबिलिटीज इनेबलिंग इंप्रूव फोटोसिंथेसिस इन वाटर, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने किया था वर्ल्ड का पहला हाई यील्डिंग बासमती राइस इन्होंने बनाया था, ठीक है। और हाई यील्डिंग क्रॉप इनका वो था, और इनके लिए कोई इंडिया के बॉर्डर्स नहीं थे, ये इंडिया के बाहर भी बहुत रिनाउंड रहे हैं ऑफिसर, ठीक है। ऑफिसर कह रहा हूँ मैं, साइंटिस्ट, इंडिया के बाहर भी इनका बहुत नाम है। यहाँ पे ये बताया जाए देर आर नो बॉर्डर्स फॉर हिम। और आप देखिए हमें डेली इनकी पूजा करनी चाहिए खाना खाने से पहले, ऐसा भी किसी ने बोला, तो ज़रूरी भी है। आज खाना भी इनके वजह से मिल रहा है हमें, हम तो बस कमा रहे हैं ना, अगर नहीं कमाते तो कैसे होता। पर जो अगर ये नहीं होते तो हम कमा के भी शायद खाना नहीं खा पाते। तो इनको कंपेयर कर दिया गया है कि गॉड ऑफ एग्रीकल्चर इनको बोला गया। अगर महात्मा गांधी ने बोला है कि गॉड अपियर्स टू पुअर, गॉड जो है, भगवान जो है, गरीब को मिलते हैं खाने के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ब्रेड, तो बोला जा रहा है तो वो जो ब्रेड है वो स्वामीनाथन जी है। तो बहुत बड़ी बात बोलती है, दिस इज एन एंड ऑफ एन एग्रा ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफ फुल डिसरप्टिव इनोवेशन, ठीक है। और फार्मर ऑफ पंजाब के लिए स्पेशली ये भगवान है, मतलब इनकी इतनी तारीफ आप देखो। और हम लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं, पैसा, हमें बस पैसा चाहिए, काम नहीं करना है, पैसा दे दो कोई। तो यार कुछ ऐसा करो ना कि मतलब ऐसा नाम हो कि अगर आप जाओ तो लोग पीछे आपके बारे में, कितने लोग होंगे जिनके मरने के बाद लोग बोलते हैं अरे यार अच्छा हुआ चलो गया बला टली, पर इनके बारे में देखो लोग इनको भगवान बोल दे रहे हैं आज, मतलब कितनी बड़ी बात है। ही इज़ कम्पेयर टू गॉड, ठीक है। तो ठीक है, अन्नपूर्णा जिसको बोला जाता है, तो आज अन्नपूर्णा हमें मिल रही है इनके वजह से। तो बस इससे मेरे हिसाब से आप लोग इनको जानिए, और ये जानने का मतलब क्या होता है ना कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जाने के बाद भी आपकी तारीफ करें ऐसे, और तारीफ ऐसे दिखावे वाला नहीं, लोग सही में दुखी हो। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।